आपके टीममेट्स आपको कई महीनों और कई सालों तक देखते हैं और आपकी अचीवमेंट देखने के बाद वो ये डिसाइड करते हैं इस बिजनेस में सीरियसली आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो लोगों पर उंगली उठाने से पहले खुद की अचीवमेंट पे भी आप थोड़ी नजर डालें। अगर आपका बिजनेस भी लड़खड़ा रहा है, ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, तो फिर कौन आपके साथ काम करेगा। अगर आपके टीम के एसोसिएट्स बिजनेस के प्रति सीरियस नहीं है या फिर बिजनेस को आते हैं और छोड़कर चले जाते हैं, तो फिर आपको कुछ सीरियस करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है, वो है चार खास चीजें जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। हाय, दिस इज दीपक बजाज और स्वागत है आपका नेटवर्क मार्केटिंग एफएक्यू विद दीपक बजाज। ये हमारी फ्री नेटवर्क मार्केटिंग वीडियो ट्रेनिंग सीरीज है और आज हम इस सीरीज के एपिसोड नंबर 26 में हैं और आज मैं डिस्कस करूंगा चार खास चीजें जो आपको टीम मैनेजमेंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पहली चीज, कुछ लोग आपके साथ इस बिजनेस में इसलिए आएंगे ताकि वो आपके साथ लंबे समय तक बने रहें और इस बिजनेस को करें, और बहुत सारे लोग इसलिए आएंगे ताकि वो आपको कुछ उन लोगों से मिलवा दें जो बाद में आपके साथ बिजनेस करेंगे। Everybody who starts with you will not finish with you। आप ये कोशिश करिए, जितने भी लोग बिजनेस में आपके साथ आए, आप उन्हें बेसिक ट्रेनिंग्स और बेसिक टूल्स जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा दीजिए और हो सके तो उनके साथ आगे काम करना शुरू कर दें। हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस बाद में क्विट कर दें, लेकिन अगर आप उनके थ्रू काम लगातार करते रहेंगे तो थ्रू 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 करके आपको कुछ एक कमाल के लीडर्स मिल जाएंगे। मेरे इस बिजनेस में जो मेन बड़ी लेग्स और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनमें से 80% उन लोगों के थ्रू थी जो बिजनेस में आए और छोड़कर चले गए, और उन्होंने मुझे ऐसे कुछ लोग दे दिए जो मेरे साथ सालों साल तक काम करते रहे। और इस कॉन्सेप्ट को मैंने चैप्टर नंबर 19 में विस्तार से समझाया है मेरी किताब 60 मिनट में नेटवर्क मार्केटिंग में। इसी किताब में अगर आप चैप्टर नंबर 27 पे जाएंगे तो एक खास चैप्टर है जिसका नाम है, अगर लोग नहीं बदल रहे हैं तो आप लोगों को बदल दें। ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, रूड लग सकती है, लेकिन हर इंसान इस बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं है। जितनी मेहनत इस बिजनेस में करनी पड़ती है, शायद हर इंसान उसके लिए तैयार नहीं होता, ऐसा उनका माइंडसेट नहीं होता है। तो आप जबरदस्ती मत करें, आप उन लोगों के साथ काम करिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं। पहले तो आप ये एक्सपेक्टेशन हटा दीजिए कि हर इंसान काम करेगा। दूसरा, अगर आपने 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई किया उसके बाद भी कोई मीटिंग में नहीं आ रहा, काम नहीं कर रहा है, तो फिर आप नए लोगों के साथ काम करना शुरू कर दें। चैप्टर 27 आपको बताता है, इफ पीपल आर नॉट चेंजिंग, चेंज द पीपल। चैप्टर नंबर 31, अब इसको गौर से समझिएगा, इस किताब में मैंने खास तौर पर चैप्टर्स लिखे हैं टीम मैनेजमेंट पे। चैप्टर 31 क्या बोलता है, आपके टीममेट्स आपको कई महीनों और कई सालों तक देखते हैं और आपकी अचीवमेंट देखने के बाद वो ये डिसाइड करते हैं इस बिजनेस में सीरियसली आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो लोगों पर उंगली उठाने से पहले खुद की अचीवमेंट पे भी आप थोड़ी नजर डालें। अगर आपका बिजनेस भी लड़खड़ा रहा है, ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, तो फिर कौन आपके साथ काम करेगा। चौथा, ये मैंने बताया चैप्टर नंबर 38 में, वर्किंग विद राइट पीपल इज एन इन्वेस्टमेंट एंड वर्किंग विद रॉन्ग पीपल इज एन एक्सपेंस। लोग छोड़ के जाएं या ना जाएं वो बाद की बात है, आप खुद अपनी समझदारी से ये डिसाइड करें कौन आपके लिए इस बिजनेस के लिए सही है, कौन कितना कमिटेड है और किसके साथ आपको लंबे समय तक बिजनेस करना है। क्योंकि जब आप सही लोगों के साथ काम करते हैं तो वो निवेश है, और एक बार आपने सही लोगों के साथ काम किया तो सालों तक वो लोग लीडर बनकर आपको कमाल के रिटर्न्स देंगे। तो ये चारों बातें याद रखिए टीम मैनेजमेंट के बारे में, लोग आएंगे लोग जाएंगे, आप अपने आप को बेहतरीन लीडर बनाइए, इन चारों प्रिंसिपल्स को फॉलो करिए। और एक और टिप देता हूँ जाते जाते, जिस किताब का मैंने जिक्र किया आपसे और जिस किताब के 4 अलग अलग चैप्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया, मेरी सलाह है आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखें कि अपनी टीम में आने वाले हर नए एसोसिएट को ये किताब दे दें आप। 1 घंटे में कोई भी इंसान ये किताब पूरी ख़त्म कर सकता है, और आपके टीममेट्स का माइंडसेट और उनका सही एटीट्यूड और काम करने का सही नजरिया ये किताब बना सकती है सिर्फ 1 घंटे में। 60 कमाल के चैप्टर हैं, एक एक चैप्टर को एक एक मिनट में ख़त्म किया जा सकता है। अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है, 150-200 रुपये में आप और कुछ नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन इस एक किताब को देखकर आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का, एसोसिएट्स का कमाल का माइंडसेट बना सकते हैं और अपनी बिजनेस की प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। आई हैव वन ड्रीम माई फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू सी यू एट द टॉप। चमकते रहिए, आसमान की ऊंचाइयाँ छू लीजिए। इस सीरीज के एपिसोड नंबर 27 में आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।